असलम स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउन कॉन्टेंट क्लास थ्री सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक प्रोनाउन प्रोनाउन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन यानी प्रोनाउन ऐसे लफाज होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं एक्सम्पल सारा इज़ एबसेंट बिकॉज शी इज़ इल here the word sara in this sentence is noun and the word she is pronoun we replace the word sara with the word she in this sentence pronoun i you she he we him it they me her them us these words are are called pronouns while some other pronouns are I, me, mine, you, yours, we, us, are, she, her, he, him, they, them, their. These words are also called pronouns. Now I am going to tell you where and when these pronoun are used. He, she, and we are used for people. यानी ये प्रोनाउन हम पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं इग्जैम्पल ही इज़ माई फ़ादर ये मेरे फादर हैं इट इज़ यूज़ फ़ॉर एनिमल एंड थिंग और इट प्रोनाउन को हम जानवर के लिए या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं इग्जैम्पल इट इज़ माई पैट आई ही यू शी आर यूज़ फ़ॉर वन पर्सन यानी ये तमाम प्रोनाउन हम सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं इट इज़ यूज़ फ़ॉर वन एनिमल और थिंग और इट को हम सिंगल एनिमल के लिए और थिंग के लिए यूज़ करते हैं वुई इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और वुई को हम एक से ज़्यादा पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं दे इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग और दे को हम एक से ज़्यादा पर्सन एनिमल और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं रिमेंबर द प्रोनाउन आर यूज इंस्टेड ऑफ़ रिपीटिंग द नाउन आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्रोनाउन का इस्तेमाल हम सेंटेंस में इसलिए करते हैं ताकि नाउन की रिपीटिंग रिपीटेशन ना हो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा था कि हमने सारा को रिप्लेस किया था शी के साथ इसी तरह अगर हमारे पास कोई बॉय होगा जैसे अली तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे सेकेंड टाइम प्रोनाउन ही के साथ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन के ढेर सारी टाइप्स होती हैं डिस्कस ओनली टू टाइप्स माल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन आर ओप थ्री टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन की तीन एग्जाम हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड परसन प्रोनाउन फर्स्ट प्रोनाउन इट रेफर टू असन स्पीकिंग यानी ये प्रोनाउन हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो बात कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल आई वी एग्जाम्पल आई सा एन एलिफेंट हे द वर्ड आई इन दिस सेंटेंस इज प्रो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इट रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू यानी ये किसके साथ ये कौन सा प्रोनाउन होते हैं किन लिए इस्तेमाल हो जब जिनसे जिन हम बात कर रहे होते हैं जैसे कि यू तुम एग्जाम्पल डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है हेयर द वर्ड यू इन दिस सेंटेंस इस कार्ड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन इट रेफर टू द पर्सन और थिंग पीपल और थिंग स्पोकन अबाउट यानी जिन चीज़ों के बारे में जिन पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल ही शी इट दे एग्जाम्पल अली सेट अली ने कहा ही हैड मेट हर यानी वो उससे मिला यानी इसने यहाँ पे किसी के बारे में बताया है ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्रोनाउन। पोजैसिव प्रोनाउन रेफर टू ऑनरशिप डेट इज समथिंग बिलोंगिंग टू सम यानी पोजेसिव प्रोनाउन किसी की मलकियत को शो करते हैं यानी पोजेसिव प्रोनाउन आर ऑफ थ्री टाइप ये भी तीन एक्साम है इनकी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माइन यानी इसमें क्या होगी किस चीज़ की किसी शख्स की मलकियत जाहिर होती है अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में किसकी मलकियत जाहिर हो रही है माइन यानी मेरी एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन ये बुक मेरी है ये किताब मेरी है हेयर द वर्ड माइन इन दिस सेंटेंस इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यूअर्स यानी यहाँ पे मलकियत किसकी जाहिर हो रही है तुम्हारी सामने वाले पर्सन की एग्जाम्पल दिस बुक इज़ योर ये बुक तुम्हारी है हेयर द वर्ड यूर्स इन दिस सेंटेंस इज़ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही इज़ हर देअर यानि यहाँ पर किसकी शो हो रही है मलकियत ऑनरशिप किसी थर्ड पर्सन की दिस बुक इज़ हर ये बुक उसकी है यानि फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में किसकी मलकियत जाहिर हुई मेरी सेकेंड में यूयर्स तुम्हारी थर्ड में उसकी यानि किसी थर्ड पर्सन की Activity time. Now it's your turn, students. You have to find the pronoun in the given sentence. Thank you and good luck.